नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमसे पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ सकता है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनसे हमारा एक्सपेक्टेड होगा कि आप इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साथ ही बात करेंगे कि रिजल्ट आपका कब आएगा, कट ऑफ आपका क्या हो सकता है, और साथ में आपका फिजिकल होगा तो कब तक हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जैसे पिछले साल से ऐसा पैटर्न चलता आ रहा है कि जो एग्ज़ाम होता है उसके 3 महीने बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर एसएससी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम एंड हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट इस प्रकार से फरवरी और मार्च तक आ सकता है, ठीक है। साथ में अगर बात करें तो अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, और अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी के पहले हुआ है, और उसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसका रिजल्ट एसएससी एमटीएस के रिजल्ट पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी भी हाल में एसएससी एमटीएस का रिजल्ट एसएससी जीडी से पहले आना तय है। तो देखिए, कब तक एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जो है इस महीने ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा, और लगभग लगभग फरवरी से मार्च तक, अगर फरवरी में आता है तो ठीक, नहीं तो मार्च में डेफिनेटली आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपने आंसर की निकल चुका है, और उसके बारे में बात करें तो आप अपना मिला भी चुके होंगे कि आपका आंसर किससे कितने रॉ स्कोर आ रहा है। तो जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, इस साल कितना जा सकता है, तो विभिन्न सोर्सों को, यानी कि जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं या फिर जितने वेबसाइट्स अच्छे अच्छे हैं, जितने भी लोग कट ऑफ निकालते हैं, उन सब का एक स्टडी करके मैंने एक कट ऑफ बनाया है। जनरल का लगभग आपका 75 से 85 के करीब आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 73 से 83, ओबीसी का 70 से 80, एससी का 60 से 70, और एसटी का 55 से 65। तो जिन भी कैंडिडेट का इस कट ऑफ रेंज में आपका रॉ स्कोर अगर आ रहा है या इससे 5 नंबर कम आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 75 से 85 है, तो अगर आपका रॉ स्कोर 65 से 70 है, तो मे बी आपका नॉर्मलाइज होकर 10 नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी तैयारी, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल में जैसे आपको मालूम होगा क्या क्या करना होता है, अगर आपको नहीं मालूम कि फिजिकल में क्या क्या तैयारी करना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी एक वीडियो आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तो चलिए, बात करते हैं फिजिकल की। तो जैसा पिछले साल से ऐसा चलता आ रहा है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके लगभग 1 मंथ के बाद आपका फिजिकल का एग्ज़ाम होता है। तो जैसे मार्च में मैक्सिमम आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका जो फिजिकल होगा वह अप्रैल में ले लिया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।